हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं हमारा जावा स्क्रिप्ट का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बुलियंस इन जावा स्क्रिप्ट, मीन्स कि बुलियंस का क्या कंसेप्ट होता है जावा स्क्रिप्ट में। इस चीज़ पर हम फोकस करेंगे कि इसको कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम एग्जाम्पल के साथ देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। दोस्तों, बुलियन क्या करता है कि दो वैल्यू ट्रू और फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं और हमें ऐसे वैल्यू का जैसे कि यश नो व ऑन अप ट्रू फॉल्स की जरूरत होती है, तो हम बूलियन डेटा टाइप को ही यूज करते हैं, क्योंकि ये हमें ट्रू और फॉल्स को रिप्रेजेंट करने देता है। तो आगे हम ये देखते हैं कि इसको हम यूज कैसे करते हैं। मीन्स कि जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है दोस्तों, कि बूलियन एक फंक्शन होता है जो हमें ट्रू और फॉल्स को रिटर्न करता है। जैसे बूलियन में मैंने डाल रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमने कि एज ए पैरामीटर हमने यूज किया है कि 10 greater than 9, तो ये हमें रिटर्न कर देगा ट्रू। अगर 10 less than 9 करूंगा यहाँ पर, तो रिटर्न करेगा फॉल्स। मीन्स कि जब भी हमें इसी जरूरत होती है कि प्रोग्रामिंग में कि हमें किसी कंडीशन को या किसी चीज को चेक करना हो, केवल ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट लेना हो, तो ये हमें क्या करना चाहिए, हमें कि बुलियन फंक्शन को यूज कर लेना चाहिए। तो इसके अलग अलग तरीके होते हैं यूज करने के, कौन कौन सा डेटा हम डालेंगे तो कौन सा आउटपुट आएगा, इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं, चलिए प्रैक्टिकल करके एग्जाम्पल के साथ। दोस्तों, यह है हमारा HTML डॉक्यूमेंट जिस पर हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, कि मान लो हम क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें मैं प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ बुलियन, और इसमें मैं डालता हूँ 10 greater than 9। तो ये इस फंक्शन को कॉल कर देगा, और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर कहता है ट्रू, और यहीं पर मैं अगर लेस देन करता हूँ तो ये हमें फॉल्स दे देगा। आप देखिए इसका आउटपुट फॉल्स आएगा। तो ये तो हुआ किसी कंडीशन बेस पर। अगर अगर हम कोई वैल्यू पास करते हैं, जैसे मान लो मैंने 10 कर दिया, तो ये हमें ऑलवेज ट्रू देगा। अगर कोई हम वैल्यू पास करते हैं, जैसे 10 हो गया, 100 हो गया, कुछ भी अगर हम वैल्यू पास करते हैं, तो वैल्यू हमेशा ट्रू देता है, जैसे चाहे वो माइनस में ही क्यों ना हो। जैसे इसको मैं दूंगा, ये ट्रू देगा, चाहे वो डेसिमल में हो, 0.34। मीन्स कि कोई भी अगर मैं सिंपल वैल्यू पास करता हूँ बुलियन फंक्शन में, तो ये हमें ट्रू देगा। यहाँ तक कि आप स्ट्रिंग भी पास करेंगे यहाँ पर, जैसे मैं स्ट्रिंग पास करता हूँ हेलो, तो ये भी हमें ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ पर मैं अगर फॉल्स भी पास करता हूँ, तभी हमें ये ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि एज ए स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा है इसको। तो ये चीज़ें आपको माइंड में रखना होगा, क्योंकि अक्सर यही लाइन, ये सिंपल सा लाइन आपको दे दिया जाएगा इंटरव्यू के रिटर्न में, और पूछ लिया जाएगा कि इसका आउटपुट क्या होगा, तो आप फॉल्स दे देंगे, लिख देंगे कि फॉल्स, तो वहाँ पर आप फेल कर जाएंगे। तो आपको वहाँ पर ट्रू लिखना होगा। ये छोटे छोटे लॉजिक्स आपसे ऑलवेज पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। मीन्स कि कोई भी अगर वैल्यू पास करते हैं, जैसे नंबर हुआ, स्ट्रिंग हुआ, सबको ये ऑलवेज ट्रू ही रिटर्न करेगा। अगला चीज़ है कि अगर नन वैल्यू, मीन्स कि जिसमें कोई वैल्यू ही ना हो, उसको पास करेंगे तो हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे मैं यहाँ पर रखता हूँ वायर, और एक्स में मैंने 0 डाल दिया। अब देखिए मैं यहाँ पर एक्स पास करता हूँ, और इसको मैं सेव करके जैसे रिफ्रेश करूँगा, देखिए फॉल्स दे रहा है। जैसे मैं यहाँ पर माइनस रखता हूँ, इसको करूँगा, देखिए फॉल्स। जैसे यहाँ पर मैं इम्प्टी डालता हूँ, मीन्स कि नन वैल्यू को ये हमेशा फॉल्स ही देगा। यहाँ पर देखिए इसको फॉल्स देगा। यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर मैं रखता हूँ नल, तो इसको भी ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा। यहाँ पर मैं नन रखता हूँ, इसको भी ये रिटर्न करेगा फॉल्स। मीन्स कि जिसमें कोई वैल्यू ना हो, या फिर मैं यहाँ पर कुछ भी वैल्यू नहीं रखता हूँ, तो इसको भी रिटर्न करेगा फॉल्स। तो ये होता है बुलियन फंक्शन का यूज, और ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा कि हम कोई भी नन वैल्यू पास करते हैं तो हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर कोई वैल्यू पास करता हूँ, चाहे वो केवल स्ट्रिंग ही हो, तो हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा। आपको समझ में आ गया होगा कि बुलियन फंक्शन का क्या कंसेप्ट होता है, क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। फिर भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।